कर दिया। हमारे आफ्ताब जी यहाँ पे उपस्थित है, इनके परिवार का तो एक सदस्य गवाह। अब वो डॉक्टर की लापरवाही थी नहीं थी ये इस पर मैं नहीं जाता, लेकिन वो हताश से निराश से कि डॉक्टर की वजह से हमारे परिवार का एक सदस्य गया। आदमी उस जब किसी के घर में आदमी जाता है तो सब कुछ खो देता, आपा खो दे। जब उन्होंने आरोप लगाया तो उनके ऊपर क्या क्या गुना दाखिल नहीं किए, महीने भर तक वो कितने टाइम रहे, 3 महीने जेल रह के आते तब भी कमिश्नर के ऊपर घर का व्यक्ति किसी का मैयत हुआ है और हम एक तरफ गुना दाखिल करते, हम इंसानियत भी रखे तो ऐसी गलतियां माफ कर देते। अगर मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है मेरी गाड़ी का क्या नुकसान हुआ, लेकिन सामने वाला अगर कोई मर गया और मैं कहूंगा कि मेरे गाड़ी का नुकसान का क्या, ये वैसा वाला काम था, मतलब तुम अधिकारी को लेकर बैठे थे, जो आदमी मर गया उसकी आपको कोई चिंता नहीं थी, उसके ऊपर भी दाखिल किया, कड़क कार्रवाई नहीं हुई इस मारहाण के ऊपर, तो वो दिन दूर नहीं, आप भी इधर है मैं भी अंदर हूँ, आने वाले महीने में कोई ना कोई तो कमिश्नर को चाटा मार देगा, और कमिश्नर को चाटा मारेगा उससे सबसे ज्यादा दुख किसी को होगा तो मुझे होगा। साहब से विनती है आपको या किसी भी नीचे के उपायुक्त को मारने के लिए जब जाएगा तो आप किस मुंह से फिर FIR करने जाओगे या किस मुंह से कार्रवाई करने जाओगे? अगर फिर भी आप कार्रवाई करने जाते हो तो इसका मतलब ये स्पष्ट है, जहां तक मुझे सूत्र के संचालन से मालूम पड़ा है कि कमिश्नर को दम दिया गया है कि अगर FIR हुई तो तुम्हारी कुर्सी खतरे में। हमने महाराष्ट्र सिक्योरिटी बोर्ड की सुरक्षा गार्ड लिया है जिसका पगार डबल से ज्यादा है, 3 शिफ्ट में दे रहे, करोड़ों रुपए पैसा दे रहा है, वो वहां पे खड़े रह के क्या भजिया तल रहा था जब हमारे अधिकारी को मारा जा रहा था? इंटरवेंशन भी नहीं किया गया, रोका भी नहीं किया गया। तो ऐसे जो सिक्योरिटी के ऊपर करोड़ों खर्च कर रहे हो, जब मार ही खाना है हमारे अधिकारियों को तो फिर वैसी सिक्योरिटी क्या जरूरत है? हमारे यहाँ पे सैनिक सिक्योरिटी है ही ना आधे पगार में, तो वही लेके मार ही खाना तो उसको लेके खाओ ना। कमिश्नर 2 आदमी लेके घूमते, उपायुक्त तो 1 लेके घूमता है, सिटी इंजीनियर 1 लेके घूमते, सब लोग लेके घूम रहे, क्या बाप का माल है क्या पैसा? आप बिंदास लेके घूम रहे हो और वो जब उनको पैसा दे तो उन्होंने क्या कार्रवाई किया? तो हम सब शहरवासी को मैं विनती करूंगा हमारे विधायक की ओर से कि आज के बाद महानगर पालिका के चाहे कमिश्नर हो चाहे अधिकारी हो, हमारे विधायक अगर कह रहे तो वो कायदे बनाने वाले व्यक्ति है तो वो कह रहे तो उसमें सच्चाई होगी। तो आप जब कभी भी अधिकारी मिले कान के नीचे बजाओ, कुछ कार्रवाई नहीं होती है, ये मैं नहीं कह रहा, विधायक ने उधर भी कार ओढ़ के ऊपर उस मकान वाले को कि आपने मारा क्यों नहीं तभी, और वो अभी भी कह रही है मैंने मारा है तो पब्लिक इंटरेस्ट में, तो पब्लिक इंटरेस्ट में आप कितना भी मारो। इसलिए मैंने पहला सवाल पूछा कमिश्नर साहब खुला कर दे कि मेरे को मारोगे तो FIR होगा, नीचे के अधिकारी को मारोगे तो FIR नहीं होगा, ताकि हमें लोगों को पता चले किसको मारने पे होगा और किसको मारने पे नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की यूनियन है और श्रमिक संगठना के नाम से भारतीय जनता पार्टी प्रेरित है, इसलिए भाजप की ही यूनियन की अगर किसी अधिकारी को अगर मारेंगे और हम उनका साथ ना देंगे तो क्या होगा? इसलिए आज ये पत्रकार परिषद ली जा रही है क्योंकि इसके अंदर कार्रवाई के अंदर जानबूझ के अपने अपने स्वार्थ के लिए विलंब किया जा रहा है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि ये जगह पे मकान कहां से आए किधर से आए, जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर मीरा भाईंदर में हमारी सत्ता थी 2016 में, तब इसी रोड का वाइंडिंग किया गया था और वो रोड नया बना है। उस समय यहां पे जो राजीव अशोक सिंह इनका वहां पे घर था, मकान था, इनको 2016 में इनको और इनकी मिसिस को 1 नहीं 2 पक्के मकान दिए गए, और ये 2 पक्के मकान लेने के बाद अगर फिर वापस वहीं पे झोपड़ा बनाता है तो उस व्यक्ति के झोपड़े को कायदेशीर कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आप भावनाओं पे मत जाइएगा, कायदे पे। आम व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी पहले से थी, आज भी है, लेकिन 2 पक्के मकान दिए, अपने मकान को उन्होंने 2 अलग अलग व्यक्तियों को भाड़े पे दिया, एक पूरा नाम दे रहा है, मैं नाम देता हूँ, दो ये एग्रीमेंट दिए उनके, तो दोनों मकान उसने भाड़े पे दिए। तो पहला काम ये बनता है कि म्युनिसिपल कमिश्नर ने अभी तक इतना हादसा होने के बाद वो दोनों मकान बेच नहीं सकता, भाड़े पे दे नहीं सकता, खाली करके ताबे में क्यों नहीं लिए, पहला सवाल ये। दूसरा, महानगर पालिका ने उनको पुनर्वसन किया था तो उसके ऊपर आयुक्त महोदय ने गुना क्यों नहीं दाखिल किया कि महानगर पालिका के नियमों का उल्लंघन किया है, तो उस व्यक्ति के ऊपर कायदेशीर गुना दाखिल होना चाहिए था और दोनों फ्लैट वापस ताबे में लेने चाहिए थे, जो कि महानगर पालिका कमिश्नर के माध्यम से नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा कि गंभीर विषय है कि हमारे महानगर पालिका से
60-70 लाख के मकान, दो मकान की कीमत अप्रोक्सली उतनी होंगी 60-70 लाख आज के भाव से, और उसको एक आदमी भाड़े पे दे रहा है, वापस जाके घर बसा रहा है, तो इसके ऊपर आयुक्त महोदय कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि हम बारिश के अंदर घर खाली नहीं करते हैं, ये नियम है, बात का सत्य है, परंतु ये भी सत्य है कि नए बांधकाम के लिए वो नियम नहीं है। अगर आप जाके देखेंगे तो एक घर में वो आज भी रह रहा है, उस घर को तोड़ा नहीं गया, बाजू में जो एक दो अलग से घर बनाए थे जिसका गवाह क्या है, तो दीवार भरी थी, आप देखेंगे तो नीचे अभी तक फ्लोरिंग भी नहीं लगी, अंदर किचन प्लेटफॉर्म का काम चालू था। सामान रखना और खाली बोलना हमको बाहर निकाला, हमको बाहर निकाला और किया, तो वो गलत आरोप है। मैं वहाँ पे जानकारी पूरी लेके आया हूँ, वो दोनों ही घर अंडर कंस्ट्रक्शन थे, ये हम कह सकते हैं कि बांधकाम हो चुका, छपरा लगी, अंदर का काम उनका चालू था और घर वो तोड़े, उनका रहता घर नहीं तोड़ा है। और तो और वो रहता हुआ घर वाले बाजू वाला बना के वो भी भाड़े पे दे रहा था, मतलब बना कौन रहा था, तो यही आदमी जिसने दो घर लिए भाड़े पे दिए, खुद एक मकान में रह रहा है और जगह मिली और बढ़ा रहा है, वो भी भाड़े पे दे रहा है, तो ऐसे आदमी के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, महानगर पालिका आयुक्त शांति। दूसरा, उसके घर के ऊपर कार्रवाई करो नहीं करो, ये पक्का मकान है, झोपड़े नहीं, ये कायदा झोपड़े के लिए, ये पक्का मकान है, MRTP अंतर्गत उसके ऊपर गुना क्यों नहीं दाखिल किया गया, MRTP के हिसाब से उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए था, एक पहले के घर के ऊपर भी और जो बाजू में तीन बन रहे उसके ऊपर भी, तो MRTP अंतर्गत गुना दाखिल होना चाहिए था। जब अधिकारी को वर्चस्व, ठीक है मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी के ऊपर दाखिल करो मत करो, हमारा काम है कि इल्लीगल काम ना बने ये रुकाना, लेकिन जब एक अधिकारी पे बात आती है, महानगर पालिका प्रश्न चिन्ह पे बात आती है और एक व्यक्ति अधिकारी को चाटा मारता है, और वो चाटा उस व्यक्ति को नहीं था, चाटा उस कमिश्नर को था, ये चाटा हमारे दिलीप ढोले जी को था, क्योंकि अल्टीमेटली बॉस तो वो है। अगर मेरे ऑफिस से मेरे कर्मचारी को भी मारता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो मुझे चाटा मार रहा है, तो कमिश्नर साहब को चाटा मारने के बाद भी इस आदमी पे इतनी मेहरबानी क्यों, ये हमने आपको पुरावे से कहा है, तो आपके माध्यम से भी और कमिश्नर को भी हमारा सवाल है कि इस व्यक्ति के ऊपर उचित कार्रवाई अब कब करेंगे। आप भले पूरी फिर से इंक्वायरी करिए, हम तो उनके घर तक जाके आए, एक में बंगाली कोई रहता है एक में कोई और रहता है, दोनों ही व्यक्ति का हम आदर करते हैं, वो बेचारे निर्दोष है, उनको क्या पता उन्होंने भाड़े पे ले लिया, लेकिन दिया उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हो, ये सबसे बड़ा हमारा पहला आज की बात। दूसरा ये कि हमारे विधायक ने उसके ऊपर आरोप लगाया है कि ये बिल्डर से सुपारी लेके काम कर रहे थे, तो कमिश्नर साहब ने इस सुपारी लेने के पीछे कौन है, मेरा तो स्पष्ट आरोप है, अगर सुपारी ली गई है तो कमिश्नर साहब ने ली है, किसी और ने नहीं, क्योंकि असलीकरण तो वही है, उनके इजाजत की बगैर यह पत्ता नहीं हिल रहा है। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर ये बांधकाम तोड़ा गया है ऐसा विधायक का आरोप है, ये लेती देती हुई है, तो लेती देती फिर कमिश्नर ने की है, तो क्या कमिश्नर को सस्पेंड करने की या कमिश्नर पे कार्रवाई करने की विधायिका मांग करेंगी कि नहीं करेंगी, क्योंकि ये अधिकारी के पास की बात नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके। इस शहर में अनगिनत प्राइवेट प्रॉपर्टियां खाली करने का काम कई महीनों से चालू है, जिसके अंदर मेरा आरोप है, शायद ये भी जो कह रही है वो सत्य मैं मानता हूं, तो इसके ऊपर क्या विधायिका मैडम CM साहब को लेटर देंगे क्या कि इस कमिश्नर साहब को इमीडिएटली सस्पेंड करो या यहां से रवाना करो, क्योंकि इनके माध्यम से ही प्राइवेट बिल्डर के काम किए जा रहे, तो ये पहला सवाल भी है, दूसरा भी। तीसरा, जब एक व्यक्ति को चाटा मारा गया है, इसी शहर के उदाहरण है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता प्रियेश शाह थे, कोविड के अंदर डॉक्टर को थोड़ा नवगर रोड में, मैं जगह भूल गया, नवगर पुलिस स्टेशन के अंदर गुना दाखिल है, खाली उसने चिल्लाया, इलाज नहीं हो रहा था इसलिए चिल्लाया, डॉक्टर ने उनके ऊपर FIR कर दिया। हमारे आफ्ताब जी यहाँ पे उपस्थित है, इनके परिवार का तो एक सदस्य गवाह, अब वो डॉक्टर की लापरवाही थी नहीं थी ये इस पे मैं नहीं जाता, लेकिन वो हताश थे निराश थे कि डॉक्टर की वजह से हमारे परिवार का एक सदस्य गया। आदमी उस जब किसी के घर में आदमी जाता है तो सब कुछ खो देता, आपा खो देता, जब उन्होंने आरोप लगाया तो उनके ऊपर क्या क्या गुना दाखिल नहीं किए, महीने भर तक वो कितने टाइम रहे, तीन महीने जेल रह के आते,
तब भी कमिश्नर के ऊपर घर का व्यक्ति किसी का मैयत हुआ है और हम एक तरफ गुनाह दाखिल करते, हम इंसानियत भी रखे तो ऐसी गलतियां माफ कर देते। अगर मेरी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है, मेरी गाड़ी का क्या नुकसान हुआ, लेकिन सामने वाला अगर कोई मर गया और मैं कहूंगा कि मेरे गाड़ी का नुकसान का क्या, ये वैसा वाला काम था, मतलब तुम अधिकारी को लेके बैठे थे, जो आदमी मर गया उसकी आपको कोई चिंता नहीं थी, उसके ऊपर भी दाखिल किया, तो ये क्या, मैं कमिश्नर से जानना चाहता हूँ ये नियम क्या है, मतलब ये लोक प्रतिनिधि को भी लागू होता है कि नहीं होता है, ये हमारा प्रश्न है। और होता है तो किस अधिकारी के कब तक लागू होता है, मतलब जेई तक लागू होता है कि जेई को लागू नहीं होता है, या असिस्टेंट कमिश्नर को लागू होता है, या फिर डेप्यूटी कमिश्नर को मारेंगे तो लागू होता है, या कमिश्नर को मारेंगे तो लागू होता है। अगर ये वाकई में सबको लागू होता है तो ये मेरा अंतरात्मा, मेरा विश्वास कहता है कि अगर इसको, अगर अभी इस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, कड़क कार्रवाई नहीं हुई इस मारहाण के ऊपर, तो वो दिन दूर नहीं, आप भी इधर है, मैं भी अंदर हूँ, आने वाले महीने में कोई ना कोई तो कमिश्नर को चाटा मार देगा, और कमिश्नर को चाटा मारेगा उससे सबसे ज्यादा दुख किसी को होगा तो मुझे होगा, क्योंकि मैंने कहा कि हमारी नगर पालिका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि कमिश्नर के थोपड़ पे कोई मारे आने वाले समय के अंदर, और उनके थोपड़े पे मारना मतलब हम सबके थोपड़े पे मारना, इसलिए उसे रोकना जरूरी है। इसलिए कमिश्नर साहब से विनती है, आपको या किसी भी नीचे के उपायुक्त को मारने के लिए जब जाएगा तो आप किस मुंह से फिर एफआईआर करने जाओगे, या किस मुंह से कार्रवाई करने जाओगे? अगर फिर भी आप कार्रवाई करने जाते हो तो इसका मतलब यह स्पष्ट है, जहां तक मुझे सूत्र के संचालन से मालूम पड़ा है, कि कमिश्नर को दम दिया गया है कि अगर एफआईआर हुई तो तुम्हारी कुर्सी खतरे में, तुम्हारी शिकायत हम करेंगे, तुमको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। कमिश्नर साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस अधिकारी पे दबाव डाल रहे हैं कि तुम एफआईआर मत करो, ये हमारी सूत्रों के अनुसार जानकारी है, क्योंकि यहां एफआईआर हुआ नहीं, यहां कमिश्नर का तबादला हुआ नहीं, ये हमारी अच्छी तरह से जानकारी है। तो कमिश्नर साहब नक्की करे क्या है। दूसरी बड़ी बात, अगर विधायक जी को लगता है, ये मैं नहीं कहता, उनका ही कहना, उनको भी कह रहे थोड़े कि अगर आया तो आपने थप्पड़ क्यों नहीं मारा, तो हम सब शहरवासी को मैं विनती करूंगा हमारे विधायक की ओर से कि आज के बाद महानगर पालिका के चाहे कमिश्नर हो चाहे अधिकारी हो, हमारे विधायक अगर कह रहे तो वो कायदे बनाने वाले व्यक्ति है, तो वो कह रहे तो उसमें सच्चाई होगी। तो आप जब कभी भी अधिकारी मिले कान के नीचे बजाओ, कुछ कार्रवाई नहीं होती है, ये मैं नहीं कह रहा, विधायक ने उधर भी कार ओढ़ के ऊपर उस मकान वाले को कहा आपने मारा क्यों नहीं तभी, और वो अभी भी कह रही है मैंने मारा है तो पब्लिक इंटरेस्ट में, तो पब्लिक इंटरेस्ट में आप कितना भी मारो। इसलिए मैंने पहला सवाल पूछा कमिश्नर साहब खुला कर दे कि मेरे को मारोगे तो एफआईआर होगा, नीचे के अधिकारी को मारोगे तो एफआईआर नहीं होगा, ताकि हमें लोगों को पता चले किसको मारने पे होगा और किसको मारने पे नहीं होगा। तो ये हमारा स्पष्ट आरोप है इसके अंदर, कमिश्नर साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस अधिकारी का बलिदान दे रहे, और उनको लगता है कि इस पे तथ्य नहीं है, तो फिर उस अधिकारी ने सन्मान्य विधायक के बारे में पुलिस स्टेशन में जो एप्लीकेशन किया है, तो एक सन्मान्य लोकप्रिय के खिलाफ झूठी एप्लीकेशन की, तो इस अधिकारी को सस्पेंड करके इसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं कर रहे, इसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं कर रहे? दूसरा मेरा मीरा बंदर के पुलिस कमिश्नर साहब से भी सवाल है कि जब आपके पास एप्लीकेशन आई कि इस तरह का हादसा हुआ तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, और आपको लगता है कि कार्रवाई में तथ्य नहीं है या देने वाला वापस नहीं आ रहा है, तो आप उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो कि आपकी पुलिस डिपार्टमेंट की दिशा भूल की है, इसलिए उस अधिकारी के ऊपर आप एफआईआर क्यों नहीं दाखिल कर रहे हो? आपको कोई ना कोई तो निर्णय लेना होगा। इस शहर के लोक प्रतिनिधि आमदार के खिलाफ अगर कोई इस तरह से करता है तो पुलिस कमिश्नर साहब ने करने वाले के ऊपर एफआईआर करना ही चाहिए, या हम सोशल मीडिया पे उद्धव जी के या किसी का एक व्हाट्सएप क्या आ जाता है उसको ढूंढ के अंदर डाला है, इधर तो खुला खुला आरोप लगाया गया है उनके ऊपर, तो फिर पुलिस उसके ऊपर रिवर्स कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? पुलिस का समय बर्बाद किया, पुलिस को गुमराह किया, इसलिए उसके ऊपर भी एफआईआर फिर होना जरूरी है। इतने सारे मुद्दे इसके अंदर महानगर पालिका के आयुक्त और पुलिस प्रशासन इसका जवाब दे, नहीं तो अन्यथा हमें अपने तरीके से लड़ाई लड़नी होगी यूनियन के माध्यम से। मैं यूनियन की बैठक लूंगा, फिर उसके अंदर जो यूनियन चाहेगी, अगर काम बंद करना है तो हम काम बंद करेंगे, या फिर और कोई मार्ग अपनाना है तो आज आपके माध्यम से चेतावनी है, इसको सहन नहीं करेंगे, और नहीं तो फिर जो विधायक जी ने कहा है हम उसकी इम्प्लीमेंट करेंगे कि आज के बाद कोई कार्रवाई में आता है पब्लिक इंटरेस्ट में तो उसको मारो और भगाओ, मारो और भगाओ। अब मेरे खाली कमिश्नर से यही कहता हूँ, फिर कहता हूँ कमिश्नर को कोई चाटा मारेगा तो दाखिल होगा कि नहीं होगा, वो नक्की होना चाहिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं, इस शहर के अंदर इस तरह का वातावरण हुआ तो कोई चलता फिरता कमिश्नर को चाटा भी मार सकता है,
और कमिश्नर को चाटा, हमारी सरकार के अंदर हास्यपद बात होगी, क्योंकि आपने देखा हो कई कमिश्नर के ऊपर शाही फेंकी गई, कालक पोछी गई। इस कमिश्नर के साथ ऐसा ना हो, इसकी मेरी चिंता बहुत है, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। तो कमिश्नर साहब, आप इस पे कार्रवाई करें ताकि आप सुरक्षित रहे और हमारा शहर सुरक्षित रहे, हमारा अधिकारियों का मनोबल ये बना रहे। तो यही बात लेकर आज आपके सामने आया था। मेहता जी, 14 तारीख को कार्रवाई होती है और 17 तारीख को अधिकारी को बुलाया जाता है, ये इसके पीछे राज क्या है? ये इसको प्लानिंग बोलते हैं, इसको प्लानिंग बोलते हैं, इसको प्लानिंग बोलते मराठी झाला कट रचला। क्योंकि दूसरी एक बात और, लोक प्रतिनिधि की जनता नहीं, अगर घर तोड़ने आए तो अपना हाथ तैयार है। कुछ लोगों का सुपारी के बारे में क्या कहेंगे? मैंने यही कहा कि कमिश्नर ने इनका अगर सुपारी ली है तो उसके ऊपर उस अधिकारी का सस्पेंशन होना जरूरी है। अगर झूठी एफआईआर की है, एप्लीकेशन दी है, तो करना जरूरी है, तो इस बारे में जांच होना जरूरी है। नेता जी, इस तरीके की कार्रवाई हुई जैसे में आपताब के, तो आयुक्त ने अपने मनपा के लेटर हेड पे शिकायत की थी, लेकिन इस पे इंजीनियर अपने सादे पेपर कर, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि मैंने आपको क्या बोला। देखिए, आप भी इतने समझदार हो, मैं भी इतने समझदार हूँ, अगर आयुक्त महोदय ने उनकी शिकायत की तो उनकी शिकायत वो मुख्यमंत्री जी से करेंगे और इनको रातों रात घर जाना पड़ेगा, सामान भी लपेटने का समय नहीं देंगी सरकार, इनको रातों रात जाना पड़ेगा। तो वो डर के कारण उस अधिकारी का बलिदान दे रहे। आफताब भाई के केस में वैसा डर नहीं था ना।